बालिका वधू सीरियल की एक्ट्रेस नेहा मर्दा शादी के 11 साल बाद मां बन गई हैं। 37 साल की उम्र में नेहा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। आज पूरे दिन हर तरफ नेहा की चर्चा होती रही। दोपहर को ऐसी खबरें आई थीं कि नेहा की प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेहा के लिए हर तरफ दुआएं होने लगी, जिसके बाद खुद नेहा की टीम ने अस्पताल से उनकी दो तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि नेहा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, लेकिन अब खबर आई है कि नेहा माँ बन गई हैं। उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दे दिया है। नेहा की जिंदगी में खुशी शादी के पूरे 11 साल बाद आई है। नेहा का पूरा परिवार इस वक्त अस्पताल में है और वहां बेटी के जन्म पर खूब मिठाइयां बांटी जा रही हैं। नेहा ने नवंबर महीने में अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। प्रेगनेंसी के दौरान नेहा का ख्याल रखने के लिए पूरा परिवार जुटा रहा। नेहा ने इस दौरान अपनी प्रेगनेंसी को खूब एंजॉय किया, लेकिन आज आखिरी समय पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालांकि खबर थी कि नेहा की डिलीवरी में थोड़ा वक्त है, हालांकि अब डिलीवरी हो चुकी है। नेहा ने साल 2012 में बिजनेसमैन अभिषेक अग्रवाल से शादी रचाई थी। नेहा ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल साथ रहेगा ऑलवेज से की थी। इसके बाद वो ममता, कहे ना कहें, जो इश्क की मर्जी वो रब की मर्जी, महादेव जैसे कई सीरियल्स में नजर आईं। उन्होंने शादी के बाद कई सीरियल्स में काम किया, लेकिन सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर। उनका पूरा ध्यान अपने परिवार पर ही रहा। फिलहाल नेहा के फैंस जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, वो उन्हें आज मिल गई है। हमारी तरफ से नेहा और उनके पति को बहुत बहुत बधाई।